वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नोएडा के एसएसपी वैभव क्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया। तो वायरल वीडियो का जो मामला, उस पर आज डीजीपी ओपी सिंह, इसके अलावा गृह सचिव अवनीश अवस्थी और योगी साहब ने दरअसल नाराजगी जताई थी, और उसके बाद अब यह बड़ा फैसला लिया गया। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, विवादों के चलते दरअसल वैभव पर यह कार्रवाई हुई। कथित वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें बहुत से उच्च अधिकारियों के नाम लिखकर भेजे गए थे। उससे पहले ही ये नाम जो है लीक हो गए। हालांकि स्पष्टीकरण दिया था एसएसपी वैभव ने, कहा था कि उनके जरिए ऐसी कोई हरकत नहीं की गई, लेकिन अब चूंकि ये मामला बढ़ता जा रहा है, नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया है। विवादों के चलते वैभव पर यह कार्रवाई की गई। कथित वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सी चीजों का उल्लेख था। गगन मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर। गगन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बात का डर था वो हुआ, वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया है, यानी कि अब उन पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, इसके अलावा और क्या चीजें सामने आई? देखिए कुलदीप, हम ये साफ कर दें कि वैभव कृष्णा ने जिन जिन पुलिस कप्तान पर आरोप लगाए थे उन पर एक्शन हुआ है। फिलहाल वैभव कृष्णा को गौतम बुद्ध नगर के ही एसएसपी बने हैं, अभी कोई उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। वैभव कृष्णा ने जिस तरह से शिकायत की थी रामपुर एसएसपी अजय पाल शर्मा के खिलाफ या बाकी जितने चार एसएसपी थे उन पर एक्शन लिया गया है, उनको हटा दिया गया है, उनको किसी को मुख्यालय में अटैच किया गया है या कहीं और भेजा गया है। फिलहाल वैभव कृष्णा बच गए हैं। वैभव कृष्णा ने जिन जिन अधिकारियों पर आरोप लगाया था उनको हटाया गया है, क्योंकि यही जांच चल रही थी। आज सुबह चंद्रयोगी नेताज ने डीजीपी को बुलाया था, उन सभी अधिकारियों पर जांच कर रहे थे जिसपे वैभव कृष्णा ने भ्रष्टाचार के मामलों में जुड़े अधिकारियों के नाम के खुलासे किए थे। फिलहाल वैभव कृष्णा बच गए हैं, जिन पांच अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है जी। और एडीजी साहब जो निलंबित कर दिए गए थे, उनकी भी मांग ये थी कि बाकी जो अधिकारी जिनके नाम आए उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या क्या प्राइमा फेसी आरोप सामने आए हैं? देखिए फिलहाल अगर हम जिस तरह से ट्रांसफर किए गए हैं उससे ये तो साफ है कि कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। फिलहाल मामले को शांत करने के लिए रामपुर एसएसपी अजय पाल शर्मा को हटा दिया गया है, साथ ही साथ सुल्तानपुर के एसपी को हटा दिया गया है। मान लीजिए केवल इस मामले को दबाने के लिए, इस मामले को शांत करने के लिए कार्रवाई की गई। अगर कार्रवाई योगी सरकार की मंशा होती तो वैभव कृष्णा पर भी कई आरोप लगे थे उनको बचाया गया है। फिलहाल जिस तरह से तथ्य सामने आ रहा है इसमें दिख रहा है कि वैभव कृष्णा जो आरोप लगाए हैं वो सही है, इसी का नतीजा है योगी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं और उन अधिकारियों के भी नाम है जिन पर वैभव कृष्णा ने गंभीर आरोप लगाए थे। और गगन ये भी बताइए कि वैभव कृष्ण से पहले अजय पाल शर्मा ही यहाँ के एसएसपी थे, अब वो रामपुर के एसएसपी है, मुझे बताइए क्या कुछ आरोप सामने आ रहे हैं? देखिए जिस तरह से इस तरीके से पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, इन आरोपों के मुताबिक वैभव कृष्ण ने जो फाइल किए हैं आरोप, देखिए जिस तरह से वैभव कृष्ण जब गौतम बुद्ध नगर पहुंचते हैं वहां पर जिस तरह से एक रैकेट चल रहा था थानेदारी पोस्टिंग का, उसका उन्होंने खुलासा किया, उन थानेदारों को हटाया, उन थानेदारों को गिरफ्तार कराया जिन पत्रकारों के द्वारा रामपुर मौजूदा रामपुर एसएसपी अजय पाल शर्मा से लेन देन चल रहा था, जिस तरह से पोस्टिंग का खेल चल रहा था, पूरे एक रैकेट को खुलासा किया था। पूरे कई एसपी थे, चाहे वो बांदा में इसमें एसएसपी हो चाहे सुल्तानपुर एसपी हो, उन पर भी आरोप लगाए थे कि लगातार वो चंदन राय सभी इन पांचों आईपीएस अधिकारियों से मिलकर थानेदारों की पोस्टिंग कर रहे हैं, नोएडा में जितने भी बिल्डर्स हैं उनसे वसूली का खेल चल रहा है, उसका एक रैकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद मामला उछला लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ गया। उसके बाद वीडियो प्रकरण होता है, वीडियो प्रकरण के बाद वैभव कृष्णा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चिट्ठी सार्वजनिक करते हैं। डीजीपी की तरफ से कहा जाता है कि सर्विस रूल का उल्लंघन किया गया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तथ्यों की जांच की जिन तथ्यों को चिट्ठी पर वैभव कृष्णा ने लिखा था। वैभव कृष्णा ने साफ तौर पर वो सारे सबूत दिए थे जिसमें अजय पाल शर्मा का नाम सामने आ रहा था कि वो थानेदारों की पोस्टिंग में 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को वैभव कृष्णा के दिए गए सभी सबूत समझ में आए, उसी का नतीजा है जितने भी पांच आईपीएस अधिकारियों को उन्होंने मुख्य आरोपी एक तरह से बनाया गया था उनको उनके जिले से हटा दिया गया है।
और गगन मिश्रा ये भी बताइए कि जो नोएडा में दरअसल चल रहा था हाजिरी घोटाला जो करोड़ों का हुआ था, जिसके कागजातों को जला भी दिया गया, उससे भी क्या इस मामले में कोई कनेक्शन बनता है? देखिए, जिस तरह से वैभव कृष्णा ने अजय पाल शर्मा और उनके समय समय जितने बाकी चार आईपीएस अधिकारी थे उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, उनके खिलाफ जितने भी उन्होंने अभी तक भ्रष्टाचार किया था नोएडा में रहकर, उन सभी तथ्यों की परख पूरी तरह से जांच कराई थी। वैभव कृष्णा लगातार खुद पर लगे आरोपी की सफाई देने के बजाय उन तथ्यों पर मजबूती से काम कर रहे थे, जिन तथ्यों के तहत वो लड़ाई लड़ रहे थे उन चार पांच आईपीएस के खिलाफ, जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी वैभव कृष्णा ने, उन्हीं का नतीजा है कि आज शमीउल अहमद को इतना बड़ा ऊंचा कदम उठाना पड़ा। लेकिन एक जरूर बात जरूर है कि जिस तरह से वैभव कृष्णा पर आरोप लग रहे थे कि वो जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, पत्रकारों को परेशान कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों पे जानबूझकर उल्टा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, उसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरकिनार कर दिया है। फिलहाल जो नोएडा से जुड़े हुए जिस चाहे आती पार्क हो या अन्य किसी प्रकार के जो भ्रष्टाचार हुए थे उस पर भी लगातार वैभव कृष्णा जांच कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गगन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक बार फिर बताइए दरअसल किन किन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, किस तरह के ये अधिकारी हैं और क्या कुछ खास बिल्कुल सटीक तरीके से बताइए कि दरअसल प्राइमा फेसी अब इन पर क्या इल्जाम है, एक एक अधिकारी पर अलग अलग से क्या इल्जाम है? अब देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें अजय पाल शर्मा की, तो अजय पाल शर्मा पर आरोप साफ तौर पर था कि उन्होंने नोएडा में रहकर जिस तरह से एक थानेदारों को पोस्ट करने के एवज में पैसा लेने का आरोप था। उसके साथ ही साथ चंदन राय, एक पत्रकार जो अभी जिसके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ था और जो जेल में अभी बंद है, उस पर आरोप था कि वो बाकी जो चाहे वो सुल्तानपुर एसपी की बात करें चाहे बांदा की एसपी की बात करें, उन लोगों से लगातार कॉन्टेक्ट में था। कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर से गैंगस्टर के जो आरोप थे वो हटवाने के लिए रिक्वेस्ट करा रखा था, या किसी बिल्डर को एनओसी दिलवाने के नाम पर ऐसे आईपीएस अधिकारियों के कांटेक्ट में हुआ करता था। पैसे लेकर थानेदार की पोस्टिंग देना या किसी भी प्रकार की क्राइम को छुपाना, ये पूरा सरगना जो जिस तरह से काम कर रहा था, जैसा कि वैभव कृष्णा का आरोप था, उन्हीं को लेकर एक पूरी तरह से एक फाइल बना रखी थी वैभव कृष्णा ने, जो लगातार वो सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा करते थे या प्रमुख सचिव गृह को भेजा करते थे। उसी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं हम कि अभी किस से ट्रांसफर हुआ है इन पांच अधिकारियों को, चाहे अजय पाल शर्मा हो, चाहे एसपी बांदा हो, चाहे एसपी सुल्तानपुर हो, लेकिन अभी वैभव कृष्णा पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। माना जा रहा है कि देर शाम तक वैभव कृष्णा को भी ट्रांसफर किया सकता है, जो अभी खबर आ रही है जी। और ये भी बताइए कि दरअसल जो संजीव सुमन है, शायद बदायूं से एसपी, जिनको दरअसल इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया था वैभव कृष्ण को लेकर, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ है? देखिए, फिलहाल जब ये आरोप लगता है वीडियो प्रकरण का, जब वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आईजी मेरठ हैं आलोक कुमार, वो जांच देते हैं एसपी हापुड़ को, एसपी हापुड़ इसकी पूरी तरह से जांच करते हैं। आईजी मेरठ आलोक कुमार लखनऊ सोमवार को आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, उन्हें अपने जितने भी जांच के दस्तावेज थे वो सौंपते हैं। उसके बाद मैराथन एक बैठक होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले डीजीपी को कल बुलाते हैं, पूरे मामले का जो जांच होती है उसको विस्तृत रूप से ब्रीफिंग देते हैं डीजीपी सीएम योगी आदित्यनाथ को। आज फिर बुलाए जाते हैं डीजीपी लोकभवन, सीएम योगी आदित्यनाथ कम से कम डेढ़ घंटा उनसे मीटिंग करते हैं, क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना, उस पर चर्चा होती है। और देर शाम आकर एक लिस्ट आती है जिसमें जिन पर वैभव कृष्णा ने जिन जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए थे उनको जिला से हटा दिया गया है, किसी भी कोई भी जिले की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चाहे अजय सत्ता शर्मा की बात करें तो उन्हें पीटीसी उन्नाव बनाया गया है, साथ ही साथ अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो वो भी अपने जिले से हटा दिए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि जिस तरह से आईपीएसओ के बीच में एक सीट जो छिड़ा हुआ है उसको शांत किया जाए, साथ ही साथ उन तथ्यों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहन विचार किया है, जो तथ्य वैभव कृष्णा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट रूप से बताए थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। तो पूरी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो दिन की मैराथन बैठक करके इस नतीजे पहुंचे हैं कि वैभव कृष्णा को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उन्होंने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है, साथ ही साथ उन अधिकारियों के ऊपर जिन अधिकारियों पर वैभव कृष्णा ने इतने बड़े आरोप लगाए थे उन पर भी एक्शन लेना है। तो साफ तौर पर अब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जीरो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो उन पांचों अधिकारियों को हटा दिया गया है। ठीक है, अधिकारियों पर तो गाज गिरी है,
गगन आपसे ये भी जानना चाहूंगा, लेकिन आपने बहुत से नेक्सस की बात की कि पिछले कुछ सालों में लगातार इस तरीके के जो अधिकारी हैं, स्तर के जो अधिकारी हैं, कई नेक्सस बनाकर वसूली किया करते थे। आपने बिल्डर लॉबी की बात की और मुख्तलिफ लॉबीज की बात की, और बाकियों के खिलाफ जो जांच का है, जो जांच का जिम्मा है वो किसका होगा, और ये जांच कब तक शुरू हो पाएगी? क्या बिल्डर्स और बाकी जो नेक्सस है, पुलिस आला अधिकारियों के अलावा भी तो बहुत सी चीजें होंगी, उन पर नकेल कब कसी जाएगी? देखिए, फिलहाल अभी जो जिस तरह से वैभव कृष्णा ने उन नेक्सस का खुलासा किया था, चाहे वो आईपीएस अधिकारी उसमें संलिप्त हों चाहे थी वो पत्रकार हों, उसका खुलासा किया, उसकी रिपोर्ट थी, जितने भी तथ्य थे, सबूत थे, वो गृह विभाग को भेज दिए गए। उसके बाद गृह विभाग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिए थे और पूरी तरह से उस पर जांच हुई। फिलहाल अभी जो जांच चल रही थी वो सिर्फ वीडियो प्रकरणों की जांच, जो आईजी मेरठ के अंतर सुपरविजन में चल रही थी और एसपी हापुड़ कर रहे थे। अब जो कार्रवाई होनी है, जिस तरह से वैभव कृष्णा ने आरोप लगाए थे इन पांच आईपीएस अधिकारियों में, उसकी जांच के लिए फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बना रखी है। अभी उसका ऐलान औपचारिक रूप से नहीं हुआ है। फिलहाल इन लोगों को जिले से हटा दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की जो जांच होगी उस पर कोई अपना हस्तक्षेप ना कर सके, उन जिलों से हटा दिया गया है। अब नए सिरे से जांच शुरू होगी उन आरोपों पर जो वैभव कृष्णा ने लगाए थे। फिलहाल अभी तो वीडियो पकड़ के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई, जिसका नतीजा है आज इतने ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो जांच, जो आरोप वैभव कृष्णा द्वारा लगाए गए थे इन पांच अधिकारी पर, उसकी जांच होनी बाकी है। अब उस नए सिरे से जांच शुरू होगी, क्योंकि वो अजय पाल शर्मा स्वयं रामपुर के एसएसपी थे उस मौजूदा समय, और जांच उस तरह से नहीं चल सकती थी, इसीलिए सभी जितने भी आरोपित आईपीएस अधिकारी थे उनको हटा दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद माना जा रहा है कि इन पांचों आईपीएस अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए गगन मिश्रा, आप बने रहिएगा। इस वक्त रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी भी हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी कार्रवाई और इसको लेकर साफ तौर पर यह समझ आता है कि किस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन अधिकारियों के बीच सांठगांठ होती है, अंदर प्रमोशन को लेकर, ट्रांसफर को लेकर खुला खेल चलता है पैसों का, ये बात तो अब क्लियर हो गई। बिल्कुल, देखिए पंकज, सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि R9 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी थी कि वैभव कृष्ण जो एसएसपी नोएडा है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात जो है तय हो गई, और जब ये पूरा मामला, पूरा प्रकरण संज्ञान में आया था उसके बाद ये माना जा रहा था कि जिस तरह से वैभव केस जो वो कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट है। जी हरेंद्र, हरेंद्र आप सवाल सुन पा रहे हैं? जी पंकज, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। हरेंद्र कुलदीप, और मैं ये जानना चाह रहा था, सवाल बड़ा था ये, और ये भी बताइए कि दरअसल वैभव कृष्ण पर भी गाज गिर सकती है, ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ये बात सामने आई कि वो अपने पद पर बने रहेंगे और बाकी जो पांच छह अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। आप भी बताइए कि दरअसल प्राइमा फेसी कौन कौन से आरोप है जो बिल्कुल सटीक तौर पर सामने आ रहे हैं। देखिए पंकज, सबसे पहले इस पूरे मामले में अपडेट देना चाहूंगा कि एसएसपी वैभव जो नोएडा है, वैभव के उनको सस्पेंड कर दिया गया, और उनके ऊपर जिस तरह से डीजीपी ओपीसी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से कहा गया था कि सर्विस रूल्स का जो वायलेशन किया गया है, और जिस तरह से जो गोपनीय दस्तावेज थे उनको लीक करने के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे और पब्लिक डोमेन में वो चीजें वायरल करने वाली बात सामने आई थी, उसको देखते हुए न सिर्फ जो जो वीडियो वायरल हुआ था वैभव कृष्ण का, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए उसको वीडियो को भेजा गया था, और उसमें साफ तौर पर जब रिपोर्ट आ गई, साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि ये वीडियो जो है एडिटेड नहीं था, मॉफ नहीं था, इसको गलत तरीके से, जिस तरह से वैभव कृष्ण की तरफ से कहा गया था, गलत मंशा के साथ इसको बनाया, तैयार किया गया एडिटेड वीडियो है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बात साफ हो गई है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे की गई, एसएसपी नोएडा वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया है, और साथ ही जो एफआईआर वीडियो वायरल होने के मामले में एसएसपी नोएडा की तरफ से कराई गई थी, जिसकी जांच जो है मेरठ आईजी की तरफ से की जा रही है, और उसमें भी तेजी लाने के निर्देश जो है शासन की तरफ से दिए गए। और इसके अलावा इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जो ट्रांसफर में ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार का जो खेल, जो आरोप जो है, जो वैभव कृष्ण की तरफ से लगाया गया। हरेंद्र चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।